दोस्तों, आपने ट्रेनों का सफर कर लिया और आपने सबसे खतरनाक रेल ट्रैक्स के बारे में भी जान लिया, लेकिन आज हम आपको बताएंगे मालगाड़ी के बारे में। आपने मालगाड़ी यानी गुड्स ट्रेन को कोयला ले जाते देखा होगा, तो गौर किया होगा कि ये हमेशा खुले डब्बे में ही होता है, जबकि रेलवे के पास बंद डब्बे भी होते हैं। ऐसा करने की कई वजह हैं। आपके मन में यह बात आ रही होगी कि ओपन वैगन में कोयले की चोरी होने का डर रहता है। बारिश होने की स्थिति में ओपन वैगन होने से कोयला भीग भी जाता है, तब भी कोयले की ढुलाई ओपन वैगन में ही क्यों होती है? रेलवे के पास बंद वाले वैगन भी होते हैं, फिर ऐसी बेवकूफ़ी क्यों की जाती है? दरअसल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के ज़्यादातर देशों में भी कोयला ओपन वैगन में ही ढोया जाता है। रेलवे की भाषा में इन वैगनों को बॉक्सन वैगन कहते हैं। जब कोयला खदान से निकलता है, उसके बाद उसे पिट हेड पर लगा दिया जाता है। कोयले का स्टॉक यार्ड बना होता है, फिर स्टॉक यार्ड में मालगाड़ी को लगा दिया जाता है और वैगनों में कोयले को लोड कर दिया जाता है। मालगाड़ी में कोयले की लोडिंग बुलडोजर या फिर मशीन से होती है। खुले वैगन में लोडिंग करना बेहद आसान होता है। ऐसे में अगर वैगन बंद होगा तो उसमें कोयले की लोडिंग करने में काफ़ी वक्त लग जाएगा और कई समस्याएं आएंगी। कोयला अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है, यह आसानी से आग पकड़ लेता है, इसीलिए ओपन वैगन में ढोए जाने का मुख्य कारण आग से बचाव भी है, क्योंकि इन्हीं कारणों से अगर कोयले में आग लगती है तो ओपन वैगन में यह आसानी से नज़र आ जाएगी और दूरी से ही आग लगने का पता चल जाएगा, जिससे समय रहते इसे बुझाना भी आसान होगा। इसके अलावा इन वैगन से कोयला उतारना भी आसान होता है। ज़्यादातर जगहों पर ऐसी व्यवस्था होती है कि मालगाड़ी जहाँ खड़ी होती है, वहीं मशीनों से कोयले से लदा हुआ बॉक्स बगल में पलट दिया जाता है। वैगन खुली होने की वजह से उसे खाली करने में बस कुछ मिनटों का ही समय लगता है। अगर वैगन बंद होगा तो उससे कोयला उतारने में काफ़ी समय लगेगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।